prove that maximum height is at midpoint of range. तो अगर मैंने ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन की तो मैक्सिमम हाइट कहां मिलेगी मुझे, यहां मिलेगी. रेंज कितनी है, आर है. और जब ये बॉडी ऊपर जाती है तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, वी साइन थीटा. टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी फाइनल क्या हो गई, जीरो. ऊपर जाने में रिटार्डेशन है तो माइनस जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. यहां तक क्लियर है. अब पॉइंट ये है इसमें कि जब बॉडी यहां से यहां जा रही है तो ये प्रूव करना है कि जो मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट वो रेंज के बिल्कुल मिड पॉइंट पे है. मतलब अगर ये डिस्टेंस 100 मीटर है तो मैक्सिमम हाइट आपको 50 मीटर पे नजर आएगी. ये क्वेश्चन है, ठीक. अगर 100 मीटर है तो मैक्सिमम हाइट 50 मीटर है, ये क्वेश्चन है. कोई कहता है इसमें करना क्या है, लग रहा है ये तो मिड पॉइंट में ही तो है, लग रहा है. लगने से कुछ होता नहीं ना, मैथमेटिकली प्रूव करो. क्या प्रूव करना है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है और टोटल डिस्टेंस r है तो मुझे क्या प्रूव करना है, टू प्रूव x इज इक्वल टू r बाय 2. अगर मैं प्रूव कर दूं x r बाय 2 है, इसका मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम हाइट है वो एग्जैक्टली कहां पर है, इसके मिड पॉइंट पे. कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसमें प्रूव करने के लिए ये बताओ कि अगर मैं आपको x इज इक्वल टू r बाय 2 मुझे प्रूव करना है तो मुझे क्या निकालना है, x. x कौन सा डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल. तो इक्वेशन किस में लगेगी, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल का x एक्सिस, क्या इक्वेशन लगती है, x इज इक्वल टू वी टी. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ? तो x एक्सिस में वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है और आपको x निकालना है और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, वी साइन थीटा बाय जी. तो आप यहाँ पर x इज इक्वल टू वी टी में वेलोसिटी की जगह क्या पुट करेंगे, वी कॉस थीटा, और टाइम की जगह क्या पुट करेंगे यहां पर, t1 टाइम ऑफ एसेंट. क्लियर है? तो टाइम ऑफ एसेंट क्या है, v sin थीटा बाय g. तो यहां से v into v square sin theta cos theta by g x आ गया. रेंज का फॉर्मूला क्या था, v square sin 2 theta by g. मैथ्स में sin 2 theta को क्या लिख सकते हैं, ओपन करके 2 sin theta cos theta. ये याद करना है स्पेशली मेडिकल वालों को, 2 sin theta cos theta. तो ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर दो, x अपॉन r, दिस अपॉन दिस. तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, v स्क्वायर से v स्क्वायर, sin थीटा से sin थीटा, g से g, सब कैंसिल. सब कैंसिल होने के बाद सिर्फ क्या बच गया, हाफ. तो r राइट साइड पे गया तो क्या आया, x इज इक्वल टू r बाय 2. कोई डाउट इसमें? तो x की वैल्यू क्या आ गई, r बाय 2. ठीक.